नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कुलवीर जी हैं जो कि बठिंडा पंजाब से हैं। ये अपना एक्सपीरियंस, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में कंप्लीट हो चुका है। ये अपना डिटेल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि बठिंडा पंजाब से ये यहाँ तक दिल्ली डिवीजन तक कैसे आए DRM ऑफिस तक, और ये यहाँ कहाँ स्टे किए थे, कितने बजे ये आए और कितना बजे इन्होंने एंट्री किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अंदर में क्या क्या प्रोसेस है, सारा आपको ये डिटेल में बताएंगे। तो चलिए, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, साथ ही जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी कीमती समय निकाला ताकि उनका हेल्प हो जाए। वो जाने वाले हैं अंदर, जो पहले से पता हो कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सर आपका स्वागत है। हेलो सर, जो इन बच्चों का पास की है और जिनका DD वेरिफिकेशन के लिए डेट आ चुका है, वो अपनी घबराए नहीं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अपने पूरे करें। यहाँ DRM ऑफिसर, मैं बठिंडा पंजाब से आया हूँ। बठिंडा पंजाब से आप एक दिन पहले आ जाए तो अच्छा है, रहने की व्यवस्था वगैरह हो जाती है। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीकी होटल में होते हैं। हम सुबह 8:30 बजे 8:45 बजे यहाँ पहुँच गए थे DRM ऑफिस। होटल में कितने पैसे लगे? होटल में सर, आप ऐसे अगर आप नॉन AC रूम लेंगे तो आप आइडिया आपको 600 रूपए में मिल जाएगा। अगर आप AC रूम लोगे तो आपको 800-900 रूपए में 3 लोग के लिए रूम मिल जाएगा। अगर 4 लोग होगे तो 1000 रुपया, ऐसा अप्रोक्सीमेटली ऐसा इतने रुपये लगेंगे। और आप जब DRM ऑफिस पहुँच जाओगे 8:30 बजे आप टाइम से पहुँच जाना, अपने फ्रेंड को भी बोलना। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर क्या है, अपनी फोटो भूल रहे हैं, वो अपनी फोटो जो है तो 6 फोटो कम से कम, 8 फोटो कम से कम लेके आए। अपनी 6 फोटो अंदर देनी होगी और 2 फोटो अपने एडमिट कार्ड पे लगवानी होगी। अपना एडमिट कार्ड, अपना 10th का मार्कशीट, अपना ITI, आपका नेशनल ITI का वो भी, और आपका जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है वो भी अपना लेके आए। उसके बाद आपके जो कम्युनिटी है, अगर आप जर्नल हो तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आप OBC से या फिर आप SC कैटेगरी से हो तो अपना OBC सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का, और जैसा फॉर्मेट रेलवे ने दिया था उस फॉर्मेट में अपना लेके आए, दोनों लेके आए। और जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो भी अपना SC सर्टिफिकेट, और जो रेल में सेंटर 2018 में जैसे SC सर्टिफिकेट के लिए रेलवे में परफॉर्मा किया है उस पर परफॉर्मा अपना उसी तरह से लेके आए। और आपने इसके बाद आपको अंदर बुलाया जाएगा, दरवाजे गेट पे बुलाया जाएगा। गेट पे आने के बाद आपसे आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रेटिफिकेशन मार्क और आपका साइन लेके आपको अंदर भेज दिया जाएगा। आपने एक चीज जरूर रखनी है, अपना एडमिट कार्ड किसी भी हाथ में नहीं भूलना है। एडमिट कार्ड पे फोटो लगा के लानी है जो आपने उस समय लगाई थी। अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते भैया ये हमने जो फोटो उस टाइम लगाई थी वो हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, चल जाती है, लेकिन आप कोशिश करिए अगर वो फोटो हो तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद सर आपका अटेंडेंस लगे बाहर, आपको बुला लिया जाएगा, अटेंडेंस लगे, उसके बाद आपका होगा फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के बाद आपको अंदर भेज दिया जाएगा। आपकी 3 जगह अटेंडेंस होगी, 3 जगह अटेंडेंस लगवाना आप ना भूलें। अंदर जाने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको फिल करना होगा। उसमें हमने सेल्फ डिक्लेरेशन जो लिखती है, हम अपना हैंड राइटिंग मैच करते हैं, उसके लिए वो होता है फॉर्मेट। और उसके आगे होता है प्रेफरेंस, जैसे हमने RRC दिल्ली से, हमारा चंडीगढ़ जोन था हमारा, हमने RRC दिल्ली में हमारी DRM उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है। यहाँ हमसे प्रेफरेंस ली गई है कि आप कहाँ पर करना चाहते हो, जैसे इसमें जगाधरी वर्कशॉप, अमृतसर वर्कशॉप, फिरोजपुर डिवीजन, अम्बाला डिवीजन, दिल्ली डिवीजन, मुरादाबाद और लखनऊ, इसमें जय डिवीजन आती हैं उनके लिए प्रेफरेंस हमें दी गई है। घबराने की कोई बात नहीं है, अंदर पूरा कोऑपरेट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सही होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप किसी तरीके से घबराए नहीं। अब तक जैसे जिनका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उनको मीमो मिलता है, मीमो मिलने के बाद नेक्स्ट डे अगर कोई हॉलीडे नहीं होगा तो, छुट्टी नहीं होगा तो नेक्स्ट डे, जैसे हमारा आज फ्राइडे को हुआ है, अब मंडे को हमारा मेडिकल के लिए हमें नई पुरानी दिल्ली पीली कोठी रेलवे स्टेशन में बुलाया गया है।
मेरी जितनी जानकारी थी मैंने उतनी शेयर करने की कोशिश की, अगर बहुत पसंद में कोई गड़बड़ होगी तो उसके लिए माफी मांगना, लेकिन आप जहाँ भी जाए अपना कंफर्म कर ले, अलग अलग जो में हो सकता है किसी और जगह कोई हो किसी और तरीके से हो रहा हो, मैंने अपना शेयर जो दिया है DRM ऑफिसर दिल्ली से शेयर किया है। थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। तो ये बताइए कि आज टोटल कितने बच्चों का डीवी था? 60 बच्चे थे, सिर्फ ओनली वन स्टूडेंट एब्सेंट। और किसी बच्चों का बायोमेट्रिक में कुछ प्रॉब्लम हुआ? सर नहीं, जिनका प्रॉब्लम वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जब हो रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, सबका ओके जो आ गया डॉक्यूमेंट पूरा उसको मीमो मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। तो आपका एक ही बार बायोमेट्रिक मैच कर गया, CBT PET दोनों वाला? सर नहीं, मेरा पहली बार तो नहीं हुआ। डर लगा जब नहीं हुआ तो? डर लग रहा था, लेकिन मुझे जो बच्चे हमारे कल डीवी देखे हैं उन्होंने मुझे बता दिया था सर भी अगर नहीं होगा तो घबराने वाली बात नहीं है, आपका नेक्स्ट टाइम मिलेगा। मुझे 5 मिनट बाद दोबारा बुलाया गया और दूसरी मशीन में बिठाया गया तो तुरंत हो गया एक बार। थोड़ी सी तो घबराहट लगी, घबराहट तो होती है सर, बहुत मेहनत से यहाँ पर पहुंचे, एक बार में हो जाता तो एक बार का एक ही बार होता है। जी जी जी। अच्छा तो किस में प्रॉब्लम हुआ था, CBT वाले में कि PET वाले में? सर नहीं, CBT वाले PET वाले में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कर रहे थे उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, वो भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो फिंगरप्रिंट जो मैच हुआ तो प्रॉब्लम हुआ था, किसमें हुआ था, CBT वाले में फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम हुआ था कि PET वाले में? दो बार फिंगर ले रहे हैं ना, एक बार CBT वाले से मैच करा रहे हैं, एक बार PET वाले से मैच करा रहे हैं। ऐसा नहीं पता सर, मेरा एक में प्रॉब्लम आया, दूसरे में तो सही था, एक में प्रॉब्लम वो भी उसी प्रॉब्लम था, वो भी मेरे अंगूठा लगाने में मैंने थोड़ी सी गलती हो गई थी, और दूसरी बार लगाया तो ओके हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कौन सा अंगूठा दे रहे थे, लेफ्ट वाला? लेफ्ट वाला सर, लेफ्ट वाला अंगूठा लगा रहे। अच्छा, और उसके बाद आपका जो मतलब आज मैक्सिमम अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था? आज तकरीबन सभी लोग अप्रेंटिस किए हुए थे जिनका आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अप्रेंटिस जितनी जानकारी मुझे है, एक दो और तीन तारीख में बीच अप्रेंटिस का वेरिफिकेशन हुआ है, और आगे नहीं पता भी हमें भी अप्रेंटिस वाला और किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जहाँ अदर जॉन जो अदर कोटे में बच्चे आएंगे जर्नल वगैरह में, जैसे हमें CCA कोटा था तो हम उसमें अपना डॉक्यूमेंट करवाए। कल यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या नहीं है? सर इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है सर, अभी हमें सोमवार को मंडे को बुलाया गया, अपना नियमों मुझे मिल गया, मैंने अपना मेडिकल मंडे को करवाया। अच्छा, और ये बताइए कि किसी बच्चे का मतलब फॉर्म जो भरा है तो फॉर्म में जो भी उन्होंने डिटेल दिया है तो क्या उस पूरे डिटेल को अभी के सारे डॉक्यूमेंट से मैच किया जा रहा है, जैसे कि नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह? हाँ जी, जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिसका अपने प्रिंट आउट निकाला है उससे सभी चीजें मैच हो रही है, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मम्मा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कौन सी ईयर से आपने अपने टेंथ किया है, और उसके अपना टेंथ का जो डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर भरा है आपने, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन जो भी भरा आपने वो भी मैच हो रहा है, आपका आधार कार्ड का नंबर मैच हो रहा है, उसके बाद आपकी परसेंटेज पूछी जा रही है जो आपने वहाँ पर भरी थी, और आपके जो डॉक्यूमेंट आपने नेशनल अप्रेंटिस भरा है या फिर आपने IT भरा है या आपने डिप्लोमा भरा है, जो अपना आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वो अपने डॉक्यूमेंट प्लीज सभी डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेके जाइए। और किसी बच्चे का मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे बता रहे थे कि उन्होंने जो मैट्रिक का मार्क्स भरा है तो उनका मान लीजिए 71.4 है, किसी ने 71 भर दिया है, और किसी बच्चे ने रोल नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर भर दिया है, किसी बच्चे का पापा का नाम में का वर्ड इधर उधर मिस्टेक है, तो वो सब चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? सर इसके बारे में तो ऐसे अलग अलग आवाज लगा रहे हैं, हम अपने जाते समय फॉर्म भरने में बिजी हो गए और उसके बाद हमने अकेले अकेले को आवाज दे के बुला रहे थे सर, हमारा पूरा कंसल्टेशन अपने आवाज पे था, कब आवाज लगाएंगे, कब हम उनको डॉक्यूमेंटेशन में करवाएंगे, इसके बारे में सर मुझे पता नहीं, इसलिए मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा प्लीज। ओके, कोई नहीं कोई नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको वही देना। और अंदर के अधिकारी लोग सब कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे? सब सर कोई स्ट्रिक्ट वाली बात नहीं है, आप जो मांग रहे हैं वो उनको पूरा कोऑपरेट कीजिए, कोई घबराने वाली किसी तरह की कोई भी बात नहीं है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं, जो आपको मांग रहे हैं वो आप दिखाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को आप 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे? सर पूरा कोऑपरेट हो रहा है सर, ऐसा नहीं है अभी, अगर आपको कुछ पता भी नहीं लग रहा है ऐसा नहीं है, उसकी वजह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा, वहाँ पर जो इनकी ड्यूटी लगी है सभी को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, सभी बच्चे वो आवाज मार जिसका उनको बस फाइल बनी हुई है, अटेंडेंस लग रही है 3-3 जगह, जिसका कोई दिक्कत है उनको आवाज मार के आवाज लगा कर उसको बुला रहे हैं, बच्चा तुम ये करो, तुम्हारा ये काम है, तुम ये पूरा करके दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को? सर
सर 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे, 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे। अच्छा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको कैसा फील हो रहा था और अभी कैसा फील हो रहा है? मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कुछ नर्वसनेस था या कुछ डर वगैरह था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे या कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ? और अभी सर पहले बहुत टेंशन था, जैसे पहले CVT पास किए उसके बाद PT का टेंशन, PT पास किए उसके बाद डॉक्यूमेंट बनवाने का टेंशन, तो हमारे पास पुराने थे जहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह थे, तो उसके बाद फिर आज DV के लिए टेंशन था। आज DV हो चुका है, TV होने के बाद टेंशन खत्म हो चुका है, अब मेडिकल की टेंशन शुरू हो गई है। अब टेंशन मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद हमें हो जाएगा मेडिकल होने के बाद, उसके बाद हमारा आगे जो कहाँ जो रेफरेंस हमें हमें सेशन अलाउड होता है उसमें टेंशन टेंशन तो बनी रहेगी। तो वैसे तो आपने सलाह दे दिया है उस टीम से, वैसे तो आपने बच्चों के लिए काफी कुछ बता दिया है कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिर भी अगर आप कुछ फाइनल वर्ड्स बोलना चाहें कि जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली में आ रहे हैं या किसी अदर जोन में जा रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि अपने डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से संभाल के लाए, उनकी फोटोकॉपी जरूर लेके आए अपने साथ। तो ज्यादातर बच्चे जो मैं दोबारा फिर रिपीट करना चाहता हूँ, अपनी फोटोग्राफ जो है वो नहीं ला रहे हैं, इनके पास किसी के पास कम है, कोई 4 फोटो ला रहा है, कोई 6 फोटो ला रहा है, आप कम से कम 8 फोटो तो लेके ही जाना। आपको फोटो पे बच्चे यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, नजदीक कहीं जा रहे हैं, भाग कर फोटो बुलवा के ला रहे हैं, उनको मेंटल हैरासमेंट हो रहा है। आपसे यही निवेदन है, अपने डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हैं वो डॉक्यूमेंट लेके आए, उनकी कम से कम एक एक फोटो जेरोक्स कॉपी करवा के आए। ये सेल्फ अटेस्टेड ही मांग रहे हैं, कोई किसी टेस्टेड ऑफिसर के द्वारा टेस्टेड नहीं मांग रहे, ये उन्होंने हमारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही स्वीकार की है। और फोटो मान लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम जो बच्चे ने फोटो दिया वो फोटो अभी किसी के पास नहीं है, तो क्या ये लेटेस्ट दूसरे फोटो को एक्सेप्ट कर रहे हैं? सर हाँ, हम हमारे में से कुछ बच्चे थे जिनके पास वो पहले वाला फोटो नहीं था, उन्होंने दूसरी फोटो लगाई, सर एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन आप कोशिश करें कि वही फोटो लगाएं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाई थी। हाँ जी, और मतलब कि जो है सो कि फोटो तो हो गया हम लोगों का, और आपका किसी डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक वगैरह था या प्रॉब्लम वगैरह थी? नहीं सर, सारे डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही चेक कर लिए थे कि मेरे किसी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक तो नहीं है, मेरा डॉक्यूमेंट ठीक था, इसलिए मैंने आज मेरे डॉक्यूमेंट पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब आपका एड्रेस वगैरह भी जो फॉर्म में दिया था वही आधार में भी था, हर जगह मतलब OBC सर्टिफिकेट में भी वही एड्रेस था, सब जगह सेम था? हाँ सेम था सर, सेम था। आपके स्पेलिंग में मेजर काम सर, आपके स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होती है, आपके पापा के नाम डेट ऑफ बर्थ में कुछ नहीं होना चाहिए, आपका आधार कार्ड का जो नंबर आपने फिल किया है, तो सभी आपके वैसे बड़े ध्यान से करते हैं। बाकी कोई बात नहीं, जब आपको बुलाया गया आप आइए जरूर, जैसा अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक है नहीं है, आपको अगर समय है तो आप ठीक करवा लीजिए, अगर समय नहीं है एक बार आप जरूर आइए, ऐसा नहीं है अभी आप उसको मिस करें, आप एक बार आइए, जो उनमें कोई यहाँ आने के बाद ही पता लगे, हमें तो कोई नॉलेज नहीं है हमारे साथ डॉक्यूमेंट ठीक था, इसका गलत होगा, उस पर कैसा हो रहा है, उससे टाइम दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, वो आप आने के बाद ही आपको पता लगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना डॉक्यूमेंट सभी ठीक करवा लीजिए। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके हाथ में जितना अपना जितना एफर्ट लगा सकते हो उतना लगा लीजिए, नहीं तो जल्दी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए, एक एफिडेविट बनवा लीजिए, और जो कुछ खो गया है तो उसका FIR करवा लीजिए, फिर तो वो रेलवे के हाथ में है कि वो आपको क्या करेंगे नहीं करेंगे। ना आने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना आने से तो आप सिलेक्ट हो ही नहीं सकते, अगर आ जाओगे हो सकता है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट काम होगा आपको दोबारा मौका मिल सकता है, हो सकता है सब कोई चांस मिल जाए आपको, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर आना चाहिए। और सर्टिफिकेट्स को ये ऑनलाइन वेरीफाई भी करें, जैसे कुछ कुछ जोन में स्टूडेंट्स का कहना है कि लखनऊ का मैं स्टूडेंट का इंटरव्यू कर रहा था तो वो बता रहे थे कि उन लोग एक मतलब कंप्यूटर रखे हुए वहाँ पे सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन वेबसाइट में नंबर डालते हैं डेट डालते हैं और वो लोग ऑनलाइन वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है, जिन बच्चों का नहीं होता तो उनसे पूछते हैं कि सर्टिफिकेट तुम्हारा ऑनलाइन डेटा में क्यों नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे वैसा कुछ हो रहा है? सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कमेटी बनी हुई है, कमेटी डॉक्यूमेंट हमारे 4 बजे चेक हुए सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ऑनलाइन कोई चेक नहीं किया, सब सभी डॉक्यूमेंट जो जॉस्ट होती है हमारी जो मैंने अपने फॉर्म में भरा है उसमें सारे डॉक्यूमेंट हमारी लाए गए हैं, सर्टिफिकेट हमारे देखी है, 4 बार देखी गई है, पूरी डिटेल्स चेक की गई है, ऐसी कोई इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है। और एक प्रॉब्लम बच्चों की ये हो रही थी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, EBC सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम यहाँ पे कोई बच्चे थे? इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है सर। और ऐसा कोई प्रॉब्लम जो आपको लगा हो कि मैक्सिमम बच्चे अंदर में आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, कॉमन प्रॉब्लम जो कि लगभग
कुछ मतलब मैक्सिमम बच्चों में देखा गया हो? सर बस कॉमन प्रॉब्लम है आपको पहले जो कॉमन प्रॉब्लम सबसे पहले मैंने आपको वही बताया कि आप अपनी फोटोग्राफ नहीं भूलेंगे और जेरोक्स कॉपी जो आपने डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जेरोक्स कॉपी आप एक एक कॉपी जरूर लेके आए। अच्छा, और थोड़ा सा हम लोग चलेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की तरफ, क्योंकि आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था उसमें भी लगभग 2 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए थे, 60,000 वैकेंसी थी, तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ था। तो आपने कैसे तैयारी की और इतना कॉम्पिटिशन में कितना नंबर लाया? और अभी फिर से रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसमें 1 लाख वैकेंसी और 1.25 करोड़ फॉर्म फिलअप हुआ है, तो आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था और अभी जो बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है उनको आप क्या सलाह देना चाहिए, उनको कैसे तैयारी करना चाहिए? सबसे पहले सर जो अपना फॉर्म फिल करते हैं बहुत ध्यान से करना चाहिए, अगर आप फॉर्म में ही गलती कर दोगे तो फिर उसका तो कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं होगी, उसकी जिम्मेवारी आपकी अपनी होगी। फाइनल सबमिट करने से पहले आप अपना फॉर्म को रीड करें अच्छी तरह से। मैंने फॉर्म अपना खुद भरा था, अच्छी तरह से रीड किया था, इसीलिए कोई भगवान की कृपा से आज की फॉर्म नहीं आई। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते बहुत ध्यान से भरें, जब भी भरें बहुत ध्यान से भरना चाहिए। सर मैंने रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला से अप्रेंटिस की है, मुझे CCAA में जो 20% रिजर्वेशन वो मिली हुई है, मेरे 35 नंबर है, मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट में बुलाया गया और डॉक्यूमेंट में हो गया और मेडिकल के लिए मुझे बुलाया। और जो बच्चे अभी तैयारी करने वाले तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन बहुत दिन ब दिन बहुत टफ हो रहा है, आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए टाइम पास, किसी भी तरह का आप ऐसा मत सोचे भी हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, हमारा मानना जो है आज नहीं पढ़ेंगे कल करेंगे, कल नहीं परसों पेपर के नज़दीक पेपर की डेट आ जाएगी तब प्रिपरेशन शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, ये हमारी गलत धारणा है। आप आज से ही शुरू करें, आज से नहीं अभी से ही शुरू करें, जितना टाइम मैक्सिमम आप दे सकते हैं उतना टाइम अपनी स्टडी को। अच्छा, और सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करें तो मैथ रीजनिंग GK GS उसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को? सर सभी आप मैं सलाह देना चाहूँगा आप हर तरह की तैयारी करें, मैथ में भी करें क्योंकि मैथ से भी पेपर आ रहा है, GK से भी आ रहा है, मेंटल गलती रीजनिंग सभी की तैयारी करनी चाहिए, एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, सभी की तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पता होना चाहिए कैसे टेस्ट हो रहा है, आप डेमो देख सकते हो यूट्यूब चैनल वगैरह में देख सकते हो कैसे सीबीटी का एग्जाम होता है, तो दिक्कत वाली बात है। और टेस्ट सीरीज को आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? क्या आपने एग्जाम से पहले कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया था? सर मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ उसमें इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता। और ये आपने बताया अप्रेंटिसशिप वालों का 20% रिजर्वेशन होता है, क्या इसको आप थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं? सर हमने रेलवे से अप्रेंटिस की है, रेलवे में पहले तो जिसने बच्चे ने अपने रेलवे से जिस रेलवे से अप्रेंटिस की थी वहाँ पर उसकी उसको मर्ज किया ले था, वहीं पर उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती थी, लेकिन कुछ रूल चेंज वगैरह हुए हैं उसके बाद 20% कोटा दिया गया है, रिजर्वेशन दी गई है जो उन बच्चों को जिसने उन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस की है उनको 20% कोटा दिया गया, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन कोटा दिया गया 20% उसमें डिटेल नोट्स में भी दिया गया है 20% रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से जो बच्चे CCA किए तो आपका स्कोर कितना था 35 OBC में? 35। अच्छा, तो इसके बारे में अप्रेंटिसशिप वालों को रिजर्वेशन के बारे में एक बात और कहा जाता है कि यदि अगर अप्रेंटिसशिप की सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो उसको अदर कैटेगरी के स्टूडेंट से फिलअप कर दिया जाता है। यस सर, ऐसी बोल रहे सर, जैसा हमने उन्होंने बोला भी अगर अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे नहीं पूरे होंगे तो उनको अदर दूसरे बच्चों को उसके लिए मौका दिया जाएगा। तो अभी आप क्या सोचे हैं, दिल्ली में ही रुकने का या घर जाने का? सर अभी दिल्ली में ही रुकने का सर, आज अगर आज भी जाएंगे तो कल सुबह तक पहुँचेंगे, कल सुबह कल का दिन रुकेंगे और परसों सुबह फिर दिल्ली के लिए चले जाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ भी मैं यहीं रुक जाऊँ, दिल्ली में ही रुक जाऊँ। और फ्यूचर प्लानिंग क्या आपका, ग्रुप डी में ज्वाइनिंग ही करना है या और भी जैसे RRB NTPC हुआ या और भी आगे बढ़ते रहना है? सर मैंने एक जो अगर ज्वाइनिंग पहला अगर ज्वाइनिंग करेंगे करेंगे कुछ डाउट नहीं है सर, और RRB मैंने GE का एग्जाम भी पेपर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है उसकी भी तैयारी मैं साथ में साथ कर रहा हूँ, अगर इधर जिधर भी ज्वाइनिंग हो रहा है सर एक बार ही ज्वाइनिंग करने के उसके बाद सोचने का आगे बढ़ने का उसके बाद। ये RRB JEE SSC JEE NTPC NTPC भी मैंने फिल किया है, फॉर्म फिल किया है और RRB JEE में भी फॉर्म फिल किया है, और जो ग्रुप डी की और पोस्ट आई है 1 लाख पोस्ट आई है उसमें भी मैंने अपना फॉर्म फिल किया है,
हो सकता है किसी वजह से जहाँ पर वेटिंग में आ जाए या कोई फॉर्म रिजेक्ट हो या कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो हमें इसलिए मैंने फॉर्म फिल किया है, कोई मौका मिले दोबारा। तो अप्रेंटिसशिप वाले रिजर्वेशन सारे वैकेंसीज में एप्लीकेबल होती है सर? नहीं, ओनली ग्रुप डी। ओनली ग्रुप डी? यस सर। इसका मतलब जो 1 लाख वाली वैकेंसी है उसमें अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होंगी? हाँ, सीधे उसमें कुछ रिजर्व होंगे सर, उसमें डी में होंगे रिजर्व सीटें, हो सकता है 20-30 सीटें रिजर्व होंगे। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सर मैंने अपने मेरे अप्रेंटिस किया है इसलिए मैंने अप्रेंटिसशिप का कोटा ही उसमें सी से निकाला है। आपका अप्रेंटिसशिप का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि बहुत बच्चे हैं मेरे चैनल पे हैं जो कि अप्रेंटिसशिप के बारे में भी जानना चाहते हैं कि सर ये अप्रेंटिसशिप होता क्या है, उसमें कैसे काम करना पड़ता है, क्या बेनिफिट है, क्या सीखने को मिलता है। तो अप्रेंटिसशिप को लेकर के बच्चों में बहुत सारे क्वेरी होते हैं, तो जो आपका अनुभव रहा अप्रेंटिसशिप का, क्या वो आप शेयर कर सकते हैं? सर मैंने 2012 से लेकर 2013 तक कुछ फैक्ट्री के पूछला से अप्रेंटिस किया। उसके बाद पहले तो हमारे से पहले तो सभी बच्चे को रेलवे में जो किया कर दिया जाता है उन्हें वहीं पर नौकरी दे दी जाती थी, लेकिन कुछ रूल चेंज होने के बाद अब हमें दोबारा जो 2018 में ग्रुप डी की पोस्ट मिली उसमें हमने फॉर्म फिल किया, उसका हमने अपना CBT टेस्ट दिया, उसके बाद फिजिकल अटेंडेंस टेस्ट दिया, अब आज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के आए हैं और मंडे को मेडिकल करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं कब तक ज्वाइनिंग होता है कि हम वेटिंग में आ जाए कन्फर्मेशन। तो अप्रेंटिसशिप में बेसिकली आपको करना क्या पड़ता था वहाँ पे? सर अप्रेंटिसशिप में हमें वहाँ पर जैसे हमने बिल्कुल फैक्ट्री से किया है वहाँ पर हमें वर्कशॉप में भेज दिया जाता था, वहाँ पर काम दिखाया करवाया जाता था कैसे काम करती हैं, हमें स्किल कर बनाया जाता था वहाँ पर कि कैसे आपको काम करना है, अगर आप रेलवे में आ जाओगे तो कैसे आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, सब कुछ बताया जाता था। तो वो कैसा फील होता था? अच्छा फील होता है, ऐसा था कि नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छा फील होता था। और अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको क्या सैलरी मिलती थी? स्टाइफन मिलता था। हाँ, स्टाइफन क्या मिलता था? 1900 रुपया मिलता था, 1930। 1930 कौन से बेसिस पर, मतलब डिग्री बेसिस पे किया था या डिप्लोमा बेसिस पे किया था? आईटीआई बेस पे। अच्छा, तो इधर जो आपने जितना भी फॉर्म फिलअप किया एनटीपीसी हुआ है, तो जेई वाला कौन से उस ट्रेड से फिल किया? जेई वाला जो मैंने किया सर वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से फिल किया। डिप्लोमा। मतलब आपने 10th किया आईटीआई फिर डिप्लोमा? डिप्लोमा किया। एट प्रेजेंट आपका पढ़ाई में क्या चल रहा है? सर मैं अभी AMI कर रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया की सीनियर टेक्निकल की डिग्री होती है वो मैं उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब अप्रेंटिसशिप में रियली में बच्चों को सीखने के लिए काफी कुछ मिलती है? सभी काम जो रेगुलर एम्प्लॉय काम करते हैं बच्चे भी साथ में काम करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, बहुत सीखने के लिए बहुत खुश है। जी, अगर आज मैं पूछूंगा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ इसमें से कोई एक ऐसी बात बताइए जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, तो वो कौन सा बात आप बताना चाहेंगे? सबसे अच्छी बात है अभी जो स्टाफ है पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी स्टाफ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली। और मैं पूछूं कि आज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे कुछ बुरी बात जो आपकी लगी हो? सर ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा हो गया, मेडिकल के लिए फिट मिल गया है, कोई बुरा लगने वाली बात ही नहीं है, परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, चलो हमारा डॉक्यूमेंट सही हो गया, मेडिकल भी अच्छा हो जाए और रेलवे में जल्दी से जल्दी हम ज्वाइन करें। मेडिकल के लिए आपने कुछ तैयारी की है? नहीं सर, मेडिकल की तो कोई तैयारी कर ही नहीं सकते सर, बस अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें, साफ सुथरा खाएं, जो भी खाएं हल्का फुल्का खाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मेडिकल को लेकर के आप कितने एक्साइटेड हैं? सर ऐसा भी जल्दी हो जाए तो जल्दी मेडिकल करवा के घर चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, चलो अच्छा ही होगा, जो भी होगा जैसे जहाँ तक पहुँचे आगे भी पहुँचेंगे। तो घर में क्या जाकर के मिठाइयाँ बांटनी है या ज्वाइनिंग लेटर की वेट करना है? सर अभी तो कुछ नहीं है, अभी हमें ये भी नहीं पता अभी हम सब वेटिंग में है या कन्फर्म में है, जब तक हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता तब तक कुछ भी नहीं करते। अच्छा, नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में अप्रेंटिसशिप वालों की कितनी सीटें हैं? सर नहीं, अपने चंडीगढ़ बोर्ड से, चंडीगढ़ बोर्ड से 1547 पोस्ट। कितने बच्चों को बुलाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? सर जितने जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 तारीख से चल रहा है अप्रेंटिस वालों का, मेरे साथ वाले जो क्लीग लोग हैं वो 1 तारीख में आए थे, 2 में आए थे, आज मैं 3 में आया हूँ, कल के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, और अगर 1 से पहले कोई बच्चे हो गए होंगे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। हमें 3 दिन का पता भी, हमारे साथ वाले 1 तारीख को 2 तारीख को 3 तारीख को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए हैं। चलिए,
आपका बहुत बहुत और कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 25 मिनट का इन्होंने इंटरव्यू दिया है और मुझे लगता है कि बच्चों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इनका नंबर है हमारे पास, हम आपका डाउट इनके थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ताकि जितना भी इन्होंने डाउट को क्लियर किया है, मतलब इतने अच्छे, मतलब मैंने बहुत सारा इंटरव्यू किया तो इतना डिटेल्ड में और इतना मतलब कि स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बहुत अच्छा समझाया इन्होंने। मैं रियली इनका फैन हो गया। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। इस तरह के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।